नमस्कार बारवाटी धौल एक्सप्रेस को स्वागत कुछ मिनट में प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे सटडाउन बेले राज्य में बंद रहा वैक्सीनेशन मे एक युववर्ग को टीका देवा को प्रस्तुत ओडिशा सेपटे अधिक संक्रमित राज्य आसुवा जात्रीों पर बढ़ुच्च टेनसन ट्विन सिटी रे बंद है धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धालु प्रवेश उपरे लागिला कटकणा बीएमसी पक्षर सूचना खूब शीघ्र जारी हो गाइडलाइन कोविड नियम उल्लंघन अभियोग रे शिक्षानुष्ठान सील कुंभमेला फेरंता बढ़ाइले चिंता सिल्वर सिटी को कोरोना भय 30 नमूना मध्य 13 पॉजिटिव परे सतर्क है सीएमसी कुंभमेलू सारा राज्य को फेरी 400 ऊर्ध तीर्थयात्री पुणि खसीगले कि बड़माछ हाइदर फेरार मामलें दुई गिरफ कन्स्टेबल मोसीम सह जेल वार्डर शिव नारायण आरेस्ट सेपटे एवं भी चुप जेल डीजी संतोष उपाध्याय राजधानी इंजीनियरिंग छात्र अपहृत घटनार पांच दिन पर भी पुलिस हाथ खाली सीसीटीवी जांच रु भी सुराग पाइलानी पुलिस पुलिस तदंत नहीं असंतोष झाड़े पर लोके कोरोना काल में परीक्षा सस्पेंस नवीन निवास आगे दशम श्रेणी छात्र छात्री गणशिक्षा मंत्री को भेटी द्वंद्व दूर करने को जनइले गुहारी सेपटे आईसीएसई दशम परीक्षा बातिल एवं गड़ा रुकुणा रथ प्रभु श्री लिंगराज रुकुणा रथ टणा आरंभ बिना भक्त कोविड कटकणा मध्य रथ टाणिले सेवायत भुवनेश्वर अनिर्दिष्ट काल बंद है समस्त धार्मिक अनुष्ठान नीतिकांति चलो किंतु श्रद्धालुओं प्रवेश उपरे कटकणा जारी करा जाए अन्यपटे कोविड कटकणा उल्लंघन अभियोग भारतीय विद्याभवन कलिंग एकाडेमी और आदित्य एकाडेमी को मध्य सिल करछि बीएमसी दिनकु दिन कोरोना आक्रांतों संख्या बढ़ुथिबारु बीएमसी पक्षरु एभली पदक्षेप निया जायछि राजधानी में भक्तों को मंदिर मना बीएमसी पक्षरु बड़ निष्पत्ति बंद है समस्त धार्मिक अनुष्ठान कोविड्र द्वितीय लहर प्रकोप को दृष्टि रखी बीएमसी नहीं बड़ निष्पत्ति समस्त धार्मिक अनुष्ठान मंदिर मस्जिद चर्च गुड़िक अनिर्दिष्ट काल पुणी बंद एणिकी धार्मिक अनुष्ठान को कौन श्रद्धा और भक्तों प्रवेश हो पार ना धार्मिक अनुष्ठान केवल नीतिकांति और पूजार्चना हो विभिन्न धर्मर धर्मगुरु कर्मकर्ता वर्चुअल आलोचना पर निष्पत्ति बीएमसी आमर भुवनेश्वर रे जो पॉजिटिव केसेस कोविड 19 बढ़ी छी ताकू व्यू रे रखी करी एंड जो स्टेट गवर्नमेंट रो ऑर्डर थिला ता भीतरे जो अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी को पावर दिया है थिला से हिसाब रे हमें सबू जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अछंती तांकर मैनेजमेंट कमेटी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के संगे कथा है छु एंड आमर जेडीसी मानकर लेवल रे छोटिया छोटिया कंसल्टेशन मीटिंग भी कंडक्ट करा है छी एंड देन फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हमार रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रे नाउ ऑनवर्ड्स किसी भी ड्यूटीज मानकरो प्रवेश करा जीवो नहीं ओनली सब जगह रे जो नॉर्मल रिचुअल्स अच्छी मंदिर हो चर्च हो कि मस्जिद हो नॉर्मल रिचुअल्स कंडक्ट करा जीवे ड्यूटीज मानकरो प्रवेश को हमें बैन करीछु फॉर द टाइम बीइंग और तापर जिते बड़े अमार किसी सिचुएशन रे इम्प्रूवमेंट आसो तापर ये विषय रे किसी हमें रिलैक्सेशन हो कि कौन हो तापर निष्पत्ति निया जे धार्मिक अनुष्ठान परे एबे शिक्षानुष्ठान गहली मार्केट होटल रेस्टोरेंट मेडिसिन स्टोर गुड़ी को उपरे तीक्ष्ण नजर रखी बीएमसी आज कोविड कटकणा उल्लंघन अभियोग रे बीएमसी यूनिट 3 स्थित भारतीय विद्या भवन सील करिछि कटकणा को खिलाफ करी ऑफलाइन रे चलितला परीक्षा सील परे शिक्षानुष्ठान कर्तृपक्ष को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करिछि बीएमसी केवल एतिकि नुहे नापल्ली स्थित कलिंग एकाडेमी और आदित्य एकाडेमी को मध्य सील करिछि बीएमसी भुवनेश्वर में क्रमगत भाव संक्रमण बढ़ुछि किछि दिन हेबो दैनिक 500 पाखापाखी केस आसुछि तेणु कोविड नियम उल्लंघन कले बीएमसी पक्षरु निया जाउछि कड़ा पदक्षेप भुवनेश्वर सप्तरूपा सामंतराय रिपोर्ट अर्गस न्यूज सिल्वर
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିକୁ କରୋନା ଭୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭମେଳା ଫେରନ୍ତା। 30 ନମୁନା ମଧ୍ୟରୁ 13 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଆପଣାଯାଉଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ରଣନୀତି। ସିଲଭର ସିଟିକୁ କରୋନା ଭୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭମେଳା ଫେରନ୍ତା। 30 ନମୁନା ମଧ୍ୟରୁ 13 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ପ୍ରଥମେ ଛତିଶଗଡ଼ ପରେ ଏବେ କଟକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇଲେଣି କୁମ୍ଭମେଳାରୁ ଫେରିଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ। ସୋମବାର 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ କୁମ୍ଭମେଳାରୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଜଣଙ୍କଠାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି କରୋନା ପଜିଟିଭ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସିଏମ୍ସି। ଖାସ୍ କରି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ କଟକ ଓ ଆଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତ ଅଧିକ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିନଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଓ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଡାକ୍ତର, ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଛି କିଛି କେସ୍ରେ ଏମିତି ବି ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସୁଛି ଲୋକମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପିଏଚ୍ସି ବା ସିଏଚ୍ସିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଟେଷ୍ଟିଂଟା କରାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମର କୋଭିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ନମ୍ବର ଅଛି 707777 5555 7 4 7 5। ଏଇଠି ଫୋନ୍ କରିକି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯଦି କିଛି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରିବାର ଅଛି ବା କାହାକୁ ଦେହ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବହୁତ, ତ ଆମର ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ସେଟା ଖାଲି ଇମର୍ଜେନ୍ସିସ୍ ପାଇଁ ଅଛି, ସେଟା ହେଲା 1800-345-8289। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି 1800-345-8289। ଆପଣ ଆମକୁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଚ୍ ଆଉଟ୍ କରିବୁ। ମୋର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ସାଥେ ମିଳିକି ଲଢ଼ିବା ଆଉ କୋଭିଡ୍ ଉପରେ ଜିତିବା। ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସୁଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାହେଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଜୋନ୍ କରାହେଇଛି, ସେଠି ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠୁ ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିସିଟିଭି ପଠାହେଉଛି। ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଉଛୁ, ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଉଛୁ। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ। କଟକ ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ସହିତ ଆର୍ପିଏଫ୍, ଜିଆର୍ପିଏଫ୍ ପୋଲିସ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ରଣନୀତି ଆପଣା ଯାଉଛି। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବାକୁ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କଟକ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ କେସେସ୍ ବଢ଼ୁଛି, ତ ଯେତେ ବି ଆମର ସଂସ୍ଥାନ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏସ୍ସିବି, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁଠିକି ଫୁଟଫଲ୍ ବେଶୀ ରହୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଅଧିକ ରହୁଛି, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଛୁ କୋଭିଡ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନଜର ରଖିକି। ସିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ବି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ଡ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନେ କଟକର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କ୍ୟୁ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଯାହାର ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାକୁ ପଠାଇବୁ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ଲେଉଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜୁ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ତତ୍ପର ରହିଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ଫେରାର ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ଗିରଫ। କନଷ୍ଟେବଲ ମହମ୍ମଦ ମୁସିମ୍ଙ୍କ ସମେତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ର ଜଣେ ୱାର୍ଡରକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ହାଇଦର ଫେରାର ଦିନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ କନଷ୍ଟେବଲ ମୁସିମ୍। ପୂର୍ବରୁ ମୁସିମ୍ ସହିତ 6 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ହାଇଦରକୁ ଜଗିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା 6 ପୋଲିସ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ସିବିରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆର୍ ଯାହାକୁ ସାଙ୍ଗାରେଡ଼ି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ପୁଣି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଅଣା ହୋଇଥିଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା। ଆର୍ ତାପରେ ତାର ଆରେଷ୍ଟ ପରେ ତାର ଯେତେ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ହେଉଥିଲା, ଆର୍ ଇଏ କେସ୍ରେ
ऑलरेडी हैदर सहित आहरी 6 जन को पुलिस अरेस्ट करी फॉरवर्ड करी कोर्ट को। यही मैटर रे ये केस मंगलाबाग पुलिस स्टेशन केस नंबर 101 रे वार्डर शिवनारायण नंदा आउ कांस्टेबल मोहम्मद मोहसिन जो कि एस्कॉर्ट करी हैदर को संगरे नहीं के आसुले से मानकर क्रिमिनल नेग्लिजेंस पाया जाए छी। वार्डर शिवनारायण नंदार फोन को से बारंबार व्यवहार करी कॉन्टैक्ट को फोन करी छी और मोहम्मद मोहसिन भी ड्यूटी रे ताको बहुत रिलैक्सेशन दे छी जो जहाँफल कि सी एते चांस पाइला कि से ये सब एस्केप को प्लान करी पारिबो ये मानकर ये इनवॉल्वमेंट पाया जाए छी। ये इंडिविजुअली माने ये नेग्लिजेंस करी छंती क्रिमिनल नेग्लिजेंट एक्ट मानकर अच्छी और एमानकु ये सब इन्वेस्टिगेशन परे आज अरेस्ट करी कि यही केस रे कोर्ट को फॉरवर्ड करा जाए। आशा आशंकर मैट्रिक परीक्षार्थी सीबीएसई और आईएसएससी मैट्रिक परीक्षा बातिल होता बेले बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पक्षर् कौन निष्पत्ति होनी तेणु परीक्षा नहीं छात्र छात्री मध्य द्वंद्व लगी रही है। तेज यह दूर करने दावी छात्र छात्री नवीन निवास जा मुख्यमंत्री को दावीपत्र प्रदान कर परीक्षा द्वंद्व दूर करने दावी परिस्थिति को दृष्टि रखी परीक्षा बातिल दावी तुरंत निष्पत्ति छात्र छात्री दावी परीक्षा द्वंद्व दूर पाई नवीन निवास आगे दशम श्रेणी छात्र छात्री प्रतिवाद वर्तमान स्थिति को देखी दशम श्रेणी परीक्षा बातिल पाई मुख्यमंत्री को भेटिले छात्र छात्री आज राजधानी विभिन्न स्कूल दशम श्रेणी छात्र छात्री नवीन निवास जाए परीक्षा बातिल पाई मुख्यमंत्री को दावीपत्र देते छात्र छात्री मैंने फॉरेस्ट पार्क निकट में धारण में बसी सीएम को आप्लिकेसन देचु आम सीएम को दुई दिन टाइम देचु से भितर जब से आम निष्पत्ति ग्रहण न करते आम पुणी मास्टर कैंटीन टी जाइ आमर तो सीमित रे तो ऑफलाइन रे देखुन केमिति कोरोना स्थित ये पिला जमी जहाँ भी पढ़ी मे तीन रेल जदि ये समस्त ही था सीबीएस रही था आमर भी था सीबीएसई बात मैंने बर्तमान आम बात गोटी हो एग्जाम करेंगे कि नहीं कि किसी भी कहूँ आमको तो आम टेनसन रोचे कि इलेवेन्थ प्रिपेयर हूँ ना टेन्थ तो पुणी पढ़ी चलती तपर नाइन्थ क्लास पे आसिक टेन्थ है आम सह पढ़ुंत आउ सीबीएसई पे इलेवेन्थ प्रिपेयर है केवल आम ही गवर्नमेंट स्कूल छोड़ जितक ओडिया मीडियम बीएससी और एचएससी पिला केवल आम मैंने ही मझे फसी जाए पिला आमर तल बैच पिला आम सहित आसिक टेन्थ पढ़े कलेज पढ़े से हम चलो आम से ना ना पिला छोट पिला आसिक आम सहित पढ़ुंतापर पिला सी सीबीएसई पिला आईसीसी पिला आगे चलने आम कौन पचर रही जाऊँ आमर आम मुंड टेनसन बढ़ चले आम करूँ कौन टेन्थ पढ़ू ना ट्वेल्व कौन पढ़ू कौन टेन्थ पढ़ू ना इलेवेन्थ पढ़ू से आम दाबी सीबीएसई और आईसीआईसी उभय बोर्ड परीक्षा बातिल कराइता बेले ओडिशारे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा बातिल करने को दावी कर छात्र छात्री तेबे एने खूब शीघ्र निष्पत्ति नियाजियो बोली समीर रंजन दास कहिछन जो माने बीएससी परीक्षा देवे तादरे आमर सरकारी हाई स्कूल रो विद्यालय रो पिला माने अछंती शिशु मंदिर रो पिला माने मध्ये अछंती से उठे लेखिक देइछंती तांकर लेखा मूल उद्देश्य होची परीक्षा को बातिल करा जाउ तो माननीय मुख्यमंत्री जून मास रो प्रथम सप्ताह रे स्थिति को विचार करी कोन करा जीव उचित तेनु तादरे आपनकर 10th एवं 12th दुईटाक परीक्षार निष्पत्ति ने बोली कहते आम खूब शीघ्र ए संपर्क में जहाँ निष्पत्ति ना कथा नौ आमर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आइसोलेसन अच्छा ए कोरोना दृष्टिकोण तेणु अलरेडी विभाग को दिखाई खूब शीघ्र कौन निष्पत्ति निहा कथा ए संपर्क में आम निष्पत्ति नाप जाऊँ बातिल हेबो कि दशम बोर्ड परीक्षा कौन निष्पत्ति ने राज्य सरकार एभली गुड़ाए प्रश्नर उत्तर खोजुंट राजधानी स्कूल छात्र छात्री भुवनेश्वर अमित कुमार आचार्यों रिपोर्ट अर्गस न्यूज। गड़ा अणलेउटा रुकुणारथ बिना भक्त मौसीमा छकस्थित रामेश्वर मंदिर गले महाप्रभु श्रीलिंगराज ए मंदिर सम्मुखें 144 धारा जारी होता बेले चलित बर्ष कोरोना पाई बिना भक्त गढ़ी रथ सेवायत और पुलिस मैंने रथ को टाणी नहीं देखा मिलता ए संपर्क अधिक सूचना पाई रही हम प्रतिनिधि कविता स्वाई कविता बिना भक्त एथर रुकुणारथ हो रुकुणारथ जो जगह पहुंची रामेश्वर मंदिर पाखे 144 धारा कह संपूर्ण भाव पुलिस कटक भितर रुकुणारथटी गढ़ी तो आप कौन दृश्य देखुं भक्त मैंने केराश जदिओ कोरोना बुझुंट कि महाप्रभु रथ को टाणी पार ना के दुखी आप कौन देखिले केमती रुकुणारथ को टणागला पुलिस प्राय के पुलिस लगी
नीलिमा जदि कह वर्तमान पर्यंत निर्धारित समय अनुसार रथ गढ़ा आरंभ होता है जो द्वंद्व रही कि कामरवासी मनरे कि रथ एथर रुकुड़ा रथ गढ़ कि ना ता स्पष्ट होता रुकुड़ा रथ गढ़ा गत वर्ष रुकुड़ा रथ गढ़ी पार ना कि चलित बर्ष कोविड को नियम अनुसार जहाँ सब व्यवस्था करवायत मानक कोविड रिपोर्ट को नजर रखी रुकुड़ा रथ गढ़ी बर्तमान पर्यंत रथ मध्य गढ़ा कार्य चली आदि कह वर्तमान अधा बाटे पहुँची जदि सहित अल्प बाट रही मौसमा मंदिर में पहुँचापी एवं सबकि भितर सबुठ गोटे कथा समस्त मनरे बिना भक्त ही पूजा कर रथ गढ़ुचे बेदध्वनि एवं शंख हुड़ुहुड़ी रे प्रकंपित होउछि रास्ता किंतु भक्त नहांती केवल सेवायत आउ पुलिस कर्मचारी मानकु नेकि ही करा जाउछि रथ गड़ा जाउछि आउ वर्तमान सिचुएशन केभळि रहिछि ताहा देखबा पई मध्य कटक भुवनेश्वर डीसी मध्य आसी पहुँची उमाशंकर दास मध्य अच्छा स्थिति परखुं क्योंभली भाव में जहाँ सब 144 धारा लग जाता ताकू लोक मैंने मानुंत ना ना क्योंभली भाव में कटक जहाँ लग जाता समस्ते मानुंत ना ना ता देखापी कमिश्नर डीसी पहुँची स्थिति परखुं ता सहित जो कह रथ गढ़ स्पष्ट चित्र आपण दर्शक मानक आम पहुँचाऊ सहित जो कह समस्त मन में उत्कंठा रही कि रथ गढ़ा को नहीं समस्त उत्कंठित थे भक्त मैंने जेहतु नहांती किए कौन किए छात रही रथ देखु रथ गढ़ा देखुची तो आउ किए बाहर को आसी टे देखी दूँ पुलिस भयर मध्य भितर को जाऊँगी कह कि संपूर्ण चित्र रही आपखे सहित डीसीपी को प्रतिक्रिया ने चाहिए तो स्थिति तो देखेली सहित केंभली भाव में रथ टणा जावायत मान नियोजित कर सहित केंभली भाव में स्थित बर्तमान रही आई जो 144 धारा लगुला जमी सब कटक रही है से भितर पालन हो रहा सर आपन को अर्गस न्यूज को स्वागत सर जी रही कटक चलती कटक चल ठीक कथा निति भाव में जी कह सब कटक भितर ही चली सहित भक्त मनरे जो रही था कि आम रथ टाणीबू एवं जो पाप नाशन कहुए रथ जात्रा बोली यू रथ टाणिले रथ दौड़ीटी को स्पर्श कले पाप नाश जाए बोली जहाँ कहुए कि जो भक्त मैंने रुहति सब वर्ष धाई आसती दिन को चैत्रमास चतुर्मास हेले धाई आसती समस्ते कि आम टे रथ टाणी किंतु चलित बर्ष गत वर्ष दुई वर्ष समस्त बारण रही गत वर्ष तो हो पार ना चलित बर्ष जेहेतु रुकुणा रथ गढ़ी एवं बिना भक्त गढ़ी कि भक्त आम जो पोछे कथा हो जो मैंने बाहर को आसिक भक्त को भगवान को देखुले आने आखिर लुह आसी जाऊला से मैंने कहते हाँ आम देखिपर सत कितु रथ गढ़ी आम से खुशी सहित गत वर्ष गढ़ी पार ना आम बहुत दुखित थिलु किंतु ए वर्ष गढ़ी आम मनरु भगवान रोक बड़ कष्ट किंतु आटलिस्ट भक्त मन एथिपाई खुशी कि गत वर्ष जोड़ा गढ़ी पार ना रथ चलित बर्ष परंपरा तो कम से कम रहा तेणु भक्त ताक भाभी खुशी कि महाप्रभु रथ गढ़ी तो गोटे पटे जब देखा प्रत्येक वर्ष जो भाव में भक्त को कोलाहल फाटी पड़ता है एकाम क्षेत्र ये रुकुणा रथजात्रा दिन परिवर्तन देखाई दुई वर्ष धरी गत वर्ष गढ़ी ना एथर रथ आटलिस्ट गढ़ी तेणु आप मानते फरक कौन देखुं केते खाँ खाँ लगुच तो निहाती भाव रही कहीं जो रास्तार भक्त सहित भगवान मिलित तो हो जाती रथ टणा जाए से ही रास्ता आज सुनसान आउ भक्त मान दृश्य जो कथ कह अनेकगुड़ी जो लोकों घर छात उपर दृश्य आपन को देखी से चाहिए रही भगवान आसवे आम टे छात दर्शन करदेबू कहीं बाहर को गले पुलिस डर रही जेहेतु प्रशासन 144 धारा लागू कर तार डर रही छात उपर रही दर्शन करूँ यदि कह कि मनरे भगवान को गोटे कथा कह जाए मन जब भक्ति अच्छी भगवान पाखरे अच्छा से भली भाव रथ जात्रा किंतु बिना भक्त भक्त आसी नपरतु सत किंतु से रथ गड़ू समस्त मन रहा रथ गड़ू जो परंपरा बजाय रो रीतिकांति अनुसार जमी कराए से भाई कराऊ रथ गढ़ी समस्ते खुशी निहाती भाव में रथ गढ़ी तो अनेपटे
ଅନ୍ୟପଟେ କବିତା, ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଏବଂ ଖାସ କରି କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସେବାୟତ ବି ମାନିବା ଉପରେ ଯାହାକୁ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ କରୋନା ନିୟମକୁ କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରାଯାଇଛି ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ? ଯେତେବେଳେ ରଥ କଥା ଆସିଲା, ରୁକୁଣା ରଥ ହେବ କି ନାହିଁ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହମସମ ମନରେ ରହିଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା କି ରୁକୁଣା ରଥ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରାଯିବ ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କରାଯିବ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେନି। ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ନେଗେଟିଭ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ରଥକୁ ଯିବେ ଏବଂ ରଥ ଟାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କହିବା କେବଳ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ତ ପାଖକୁ ଆସିବା ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପୋଲିସମାନେ ଛାଉଣି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଗୁଆ ଯେଉଁମାନେ ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାହାରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସବୁକିଛି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି, ଭକ୍ତ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଯେହେତୁ କରାଯାଉଛି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯଦି କଥା କହିବା ସେଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଭିତରେ ବୋଧେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରଥ ଟଣା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଆସା ଏ ଭିତରେ ଯଦିଓ ଅନେକ ଜଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରଥ ଟାଣିବା ଭିତରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଟାଣିବା କଷ୍ଟକର। ଗଡ଼ିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥ। ଗତବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିନଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେବାୟତ ଯେମିତିକି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା ସେବାୟତ ଏବଂ ପୋଲିସମାନେ ହିଁ ଟାଣିଥିଲେ ରଥକୁ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ରୁକୁଣା ରଥ ଏହି ଅଣଦେଇତା ରଥକୁ ସେବାୟତ ଏବଂ ପୋଲିସମାନେ ହିଁ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନ ବେଶ୍ ଖୁସି, କାରଣ ଗତବର୍ଷ ରଥ ଗଢ଼ିପାରିନଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥ ଗଢ଼ିଛି, ପରମ୍ପରା ବି ବଜାୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଲୋକେ ବା ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଫରକ ହେଉଛି କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଗାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କ କୋଳାହଳରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ୍ ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି, ରାସ୍ତା ବି ଖାଲି ଖାଲି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତାକି ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସେଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ନପାରିବେ, ତେଣୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୋନା ନିୟମକୁ ମାନି ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା, ରତ୍ଲାମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ କରି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।